मैं कश्मीरी सुन्नी मुसलमान हूँ और हम अपनी हम जमात जिसका ताल्लुक शिया इमामी इस्माइली से है, मैं इससे अक़्द निकाह करना चाहता हूँ। सारे मुसलमान फिरकों का आपस में निकाह हो सकता है, कर लें जी, किसी ने मना नहीं किया, अपने कुफ्र में शादी करो, सुन्नत इब्न माजा में हदीस है हम पल्ला लोगों में, ताकि ज़हन भी मिलते हो ना, बाद में लड़ाई झगड़ा होना है तो उससे बच जाए। सिर्फ सोच का फर्क नहीं बल्कि स्टेटस का फर्क भी बाज का लड़ाई झगड़ा डाल देता है। हर चीज को देखना जरूरी है। बाकी अगर आप लोग अंडरस्टैंडिंग के साथ रह सकते हैं इकट्ठे, तो क्या इस्माइली गैर मुस्लिम है? मुसलमान मुसलमान ही है, हर मुसलमान मुसलमान ही है जब तक कोई कुफर ना करे। अगर ये निकाह जायज है तो क्या लड़की वालों का इस्माइली खारिज है? और निकाह जिससे मर्जी पढ़वाए कोई फर्क नहीं पड़ता, जिससे मर्जी निकाह पढ़वाए। निकाह इजाबो कबूल और हक मेहर का नाम है, चाहे सुन्नी निकाह पढ़ा रहा है चाहे शिया पढ़ा रहा है। गवाहों की मौजूदगी में इजाबो कबूल यानी कबूल करना एक दूसरे को, और हक मेहर के बस ये निकाह है।